हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो में मोनोसेफ ओ 200 एमजी टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। मोनोसेफ ओ 200 एमजी टैबलेट का मुख्यतः उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए उस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, उस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है। इस टैबलेट से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 154 रुपए में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। मोनोसेफ ओ 200 एमजी टैबलेट में सेफोडॉक्सिम आईपी 200 एमजी यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद सेफोडॉक्सिम यह ड्रग एंटीबायोटिक ड्रग के क्लास में आता है, जो हमारे बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया को किल करता है और उन्हें दोबारा होने से रोकता है। बात करते हैं इस टैबलेट की यूजेस की, डॉक्टर से किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का मुख्यतः उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने में, स्किन इन्फेक्शन की समस्या दूर करने में, पेट से जुड़े इन्फेक्शन की समस्या दूर करने में, कान का इन्फेक्शन, एलर्जी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसे हम मूत्र मार्ग का इन्फेक्शन भी कहते हैं, ब्रोंकाइटिस की समस्या, साइनस, फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की समस्या, निमोनिया, फूड पॉइजनिंग, टॉन्सिल की समस्या, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल एज ए एंटीबायोटिक के तौर पर करते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेस की। आप अपनी समस्या बताकर उस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, उस टैबलेट का डोस आपके समस्या पर निर्धारित रहता है, इसलिए आप इसे हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कीजिए। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में 2 बार, सुबह 1 बार और शाम को 1 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। साइड इफेक्ट इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको उल्टी, मितली, पेट दर्द, खुजली, सुस्ती, सिर दर्द ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट पे मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य एंटीबायोटिक टैबलेट ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दे। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। गर्भवती महिलाएं ये टैबलेट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। अगर आपको लिवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। उस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।